एक्टिविटी का एक्टिविटी ही तो समय अब आपके चार नंबर एक्टिविटी नहीं आपको प्रेजेंट कर पाए थे, तो आज बहुत कम समय में मैं वो एक्टिविटी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। कल हमारा ग्रुप था 7 और उसमें हमें एक गतिविधि मिली थी कंकड़ से बच्चे को पढ़ाना। कंकड़ से कई गतिविधियाँ थी, बहुत सारे कंकड़ इकट्ठे करना एक समूह में, फिर उनके ग्रुप बनाना, जैसे हमने बहुत सारे कंकड़ यहाँ दिखाने का प्रयास किया और फिर एक ग्रुप बनाए। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, आप बताइए कि ये कितने कंकड़ हैं, इस समूह में कितने कंकड़ हैं? 4। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। और इसमें कितने हैं आप बताइए, इसमें कितने हैं? इसमें 3। वेरी गुड, आपने भी सही बताया। तो इस तरह से हम बच्चों से कंकड़ से, अब तो चार्ट पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो हाथ पे कंकड़ी लेके भी हम कर सकते हैं, कंकड़ी और कहीं भी वो मिल जाती है तो उससे आप इकट्ठा कर लें, उसमें से 3-3, 4-4 दे दें, फिर एक एक और जुड़वा के दिखा दें। किसी का हाथ में मान लीजिए 2 है, एक और दे देंगे आप कितने हो गए 3, 2 और दे दें आप कितने हो गए 5, फिर 3 वापस ले लीजिए। मान लीजिए ये है, बहुत अच्छा मैडम मुझे दे दिया, धन्यवाद। ये गतिविधि बड़ी अच्छी है, इससे बच्चे बड़ी रुचि भी लेते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास कंकड़ियाँ हैं, अब मैंने मैडम को दे दीजिए आप, आपके पास कितनी कंकड़ियाँ हैं? 2। 2 और दे दी, अब कितनी हो गई? 4। अब 3 और दे दी, अब कितनी हो गई? 7। तो अब मैंने 2 में 2 का जोड़ और 4 में 3 का जोड़ इसके माध्यम से करा दिया, अब आप मुझे एक वापस दे दीजिए, अब कितनी बची? 6। अब 7 में से 1 घट गया, जोड़ की और घटाने की दोनों संक्रियाएं हमारी इसके माध्यम से एक साथ हो गई और बड़े आसानी से बच्चे को समझ में भी आ गया। अच्छा।